हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेमर। आप देख रहे हैं देसी इलेक्ट्रॉनिक। तो आज हम लोग जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। आप लोग जानते हैं कि दिन पर दिन जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अब वर्क नहीं करता है। पहले जैसे वर्क करता था वैसे वर्क नहीं करता। अब जो है ट्रैप करता है, हमेशा ट्रैपिंग करता है। कभी ब्रेकआउट देके, कभी ब्रेकडाउन देके, हमेशा थोड़ा सा नीचे आके फिर से वापस चला जाता है। तो ये ट्रैपिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एडवांस तरीके से कैसे यूज किया जाए। दोस्तों, अब जो है सारा चीज़ चेंज हो चुका है। पहले मार्केट में जो चलता था अब वो नहीं चलता है। तो हम लोग जो है कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कुछ अलग बनाएंगे और कैसे यूज कर सकते हैं, आज की वीडियो इसी के बारे में रहने वाला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस प्रकार से यूज किया जाए जो कि ये कभी हम लोग को फेक वर्कआउट नहीं दे और अच्छा खासा काम करे। चलिए चलते हैं। देखिए, सिंपली जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करें तो कभी भी ये फ्लॉप नहीं होगा, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों फ्लॉप होते हैं? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप जो है उसको हमेशा निगेटिव जगह पर यूज करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर मार्केट साइडवेज होता है वहाँ पर यूज करते हैं। हाँ, साइडवेज मार्केट में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ नियम्स होते हैं। उस नियम से आप करते हैं तो आपका जो है काम ओके रहेगा। लेकिन आप जो है हमेशा साइडवेज मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्राई करते हैं ट्रेड करने का, और ट्रेंडिंग मार्केट में आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज ही नहीं करते, जबकि ट्रेंडिंग मार्केट में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क होता है। तो यहां पे जो हम लोग जानेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट में अप और डाउन में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करना है, ठीक है। सबसे पहला क्या काम है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मार्केट अप जाएगा तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जितने भी होंगे उसको तोड़ते हुए जाएगा, अप जाते चला जाएगा, रेजिस्टेंस टूटते हुए जाएगा, और सपोर्ट इसके लिए, ठीक है, सपोर्ट जो होगा इसके लिए सबसे हैवी होगा। अगर मार्केट में कोई भी सपोर्ट है, ठीक है, अगर थोड़ा सा पीछे कुछ भी सपोर्ट लिया होगा, अगर ये थोड़ा सा घूम के आया, नीचे पुल बैक लिया, उसके बाद इसको तोड़ देगा, ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। लेकिन जब भी मार्केट इसके वापस आएगा तो इस सपोर्ट से जो है मार्केट अपने आप को लेने का कोशिश करेगा। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमेशा सपोर्ट को लेगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो कभी भी आप अगर मार्केट में जो है अप ट्रेंड में ट्रेड करना चाहते हैं, मैं अभी एग्जाम्पल में भी दिखाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट पहले समझिए, ठीक है। पहले मार्केट में जब भी यहाँ पे अप जाएगा, मार्केट जब भी अप जाएगा तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब भी एक सपोर्ट होगा, अगर कोई अच्छा खासा सपोर्ट हो तो इस जगह पे बाय किया कीजिएगा हमेशा, ठीक है। ये सपोर्ट सबसे फंडामेंटल चीज है कि ये सपोर्ट पे बाय हो सकता है। और कहां पे हम लोग जो है ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पे जो जब भी एक रेजिस्टेंस, ये एरिया एक जब रेजिस्टेंस बना है तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है, फिर भी आप कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसके लिए रेजिस्टेंस वो उतना मायने नहीं रखेगा। अब यहां पे गलती क्या करते हैं लोग, यहां पे क्या करते हैं, सपोर्ट पे बाय नहीं कर पाते। क्यों बाय नहीं करते हैं? उनको तो अप ट्रेंड है, मार्केट पता है, ठीक है, फिर भी यहां पे सपोर्ट पे बाय करेंगे। और यहां से जब ऊपर जाएगा, इस जगह पे रेजिस्टेंस लेने का कुछ ट्राई करेगा तो लोग सोचेगा कि बहुत ज्यादा ऊपर आ गया। मार्केट जब भी अप ट्रेंड में रहता है तो लगता क्या है, क्या होता है, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है तो लगता है कि अब कितना ऊपर जाएगा, अब कितना ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाते ही जाता है। लेकिन क्या होता है, मार्केट जब भी ऊपर जाते जाता है तो वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते जाता है और सपोर्ट को हमेशा वैल्यू करता है, तो लोग क्या करते हैं, अरे इतना ऊपर तो चला गया, अब ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से नीचे मार्केट आएगा। अरे आ सकता है, ऐसा कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक लेगा, कोई इसको सपोर्ट, छोटा सा भी कोई सपोर्ट मिलेगा इसको पुल बैक लेके अच्छा खासा ऊपर चल जाएगा। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तो उसमें याद रखिएगा हमेशा मार्केट का आपको हमेशा जो है सपोर्ट यहां पे वैल्यू करेगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और रेजिस्टेंस हमेशा ब्रेक होगा अप ट्रेंड में, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसी के उल्टा होता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट रहेगा तो उसके लिए जो है सपोर्ट हमेशा टूट जाएगा, ये सपोर्ट टूटेगा, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस इसके लिए मायने रखेगा, रेजिस्टेंस हमेशा इसका जो एक रेजिस्टेंस होगा वो दूसरा रेजिस्टेंस हमेशा काम करेगा। जैसे क्या होता है, मार्केट ऐसे आया फिर से अप गया, थोड़ा सा नीचे आया फिर से यहां पे अप गया, थोड़ा सा नीचे आया फिर से अप गया, थोड़ा सा नीचे आया, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो एक सपोर्ट बनाया इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, इसी को रेजिस्टेंस लिया, तो यहां पे आप सेल कर सकते थे, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक उसके बाद अच्छा खासा रैली किया, ये आप कभी भी मत समझिए कि मार्केट अगर गिर रहा उसके बीच में आप क्या कीजिएगा, यहां पे सपोर्ट समझ के इसको बाय करने की कोशिश कीजिएगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाके आपको ट्रैप करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में हो तो आप रेजिस्टेंस पे बाय कर सकते हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली फंडामेंटल इसको समझ जाते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका हमेशा वर्क करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, आपका जो है हमेशा सपोर्ट जो है ब्रेक होगा और रेजिस्टेंस को हमेशा याद में रखिएगा अगर डाउन ट्रेंड में है अप ट्रेंड में, ये कॉन्सेप्ट सिंपली समझिए, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग को जो है साइडवेज मार्केट में समझ भी नहीं आता कि मार्केट है क्या। अभी मार्केट देखिए, साइडवेज मार्केट में भी एक छोटा सा ट्रेंड चलता है, ठीक है। जैसे साइडवेज मार्केट के अंदर में क्या होता है, एक छोटा सा अप जाता है डाउन जाता है, अप जाता है डाउन जाता है, अप जाता है डाउन जाता है, तो इसमें भी अपने आपको एक ट्रेंड होता है।
हाँ ये होता है कि छोटा सा ट्रेंड रहता है तो उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, बार बार नीचे आता है, बार बार ऊपर जाता है, बार बार नीचे आता है, बार बार ऊपर जाता है, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है। लेकिन ये क्या है, आपको समझना होगा कि हायर लो किस तरीका का बन रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड दिखा रहा है तो उसमें आपको सपोर्ट हमेशा जो है वैली करेगा और रेजिस्टेंस हमेशा ब्रेक करने का कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन साइडवेज मार्केट में जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा कठोर, थोड़ा ठीक नहीं रहता है, काम नहीं करता है। बट अगर रेंज बड़ा हो तो उसमें आप देख सकते हैं हायर लो के हिसाब से, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, किस तरीके से आप जो है सिंपली वे में यूज कर सकते हैं। मेन चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमेशा ब्रेक जो होगा आपका जो है हमेशा अप चार्ज में रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, सपोर्ट पर हमेशा बाय करने की कोशिश कीजिएगा मार्केट जब ट्रेंडिंग हो, ठीक है। ये सभी लोग जानते हैं बट इसको अप्लाई नहीं करते। आप अप्लाई करके देखिए, आपको अच्छा खासा रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। थोड़ा पीछे चलेंगे, जब मार्केट ट्रेंडिंग था उस समय के लिए हम लोग थोड़ा पीछे चलना होगा, अभी साइडवेज मार्केट चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी आप पीछे से भी ले सकते हैं लेकिन हम लोग एग्जांपल लेते हैं। पहले क्या देखना है, ट्रेंड। देखिए अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आता है आपको, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो ट्रेंड के जो है आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे जो है सिंपली मैं बताना चाहूँगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो क्या होता है, अपना लो कभी भी ब्रेक नहीं करता। ये चीज़ तो आपको भी पता है कि अपना लो को हमेशा जो है सस्टेन करता रहेगा, अप जाते जाएगा, अप जाते जाएगा, अप जाते जाएगा। और जब भी मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग में होता है तो वो छोटा छोटा रिट्रेसमेंट लेता है, छोटा छोटा रिट्रेसमेंट लेगा और बड़ा बड़ा मूव देगा, छोटा छोटा रिट्रेसमेंट लेता है, बड़ा बड़ा मूव देता है। ये सभी जो है पेड कॉल्स के अंदर में, ये सभी मैंने बताता हूँ पेड कॉल के अंदर में ही मैं ये सारा चीज़ को सिखाता हूँ। अगर आपको जो है डिटेल में ये सब चीज़ सीखना है, एडवांस कॉन्सेप्ट सारे चीज़ का, कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, 5 से 6 वे मैंने सिखाया हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आप जा सकते हैं जॉब्स ऑफ ट्रेडर पर जाके, नीचे में जो है आप यहाँ पे बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। ये जो है वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इस वेबसाइट पर जाके आप सिंपली प्राइज एक्शन वगैरह वगैरह जो भी होता है यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ब्लॉग लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ डीमेट अकाउंट्स का लिंक भी दिया गया, अगर डीमेट अकाउंट अब तक नहीं खुला है तो जाके खुला सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हैं, ये कोर्स मैंने कुछ दिए हुए हैं आप सभी को, कोर्स जाके आप परचेज कर सकते हैं। आपके लिए मैं सारा डिटेल दे दूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लर्निंग के लिए मैंने सारी चीज़ बना चुका हूँ। तो आप लोग जाके एक बार विजिट कीजिए इस वेबसाइट पर, और साथ में आप कोर्स वाले सेक्शन पर जाते हैं तो आपको जो है सिंपली एक कोर्स का सेक्शन इस टाइप से खुलता है। तो मैं आप सभी के लिए A to Z वाला कोर्स और यहाँ पे एडवांस ट्रेडिंग का और बेसिक, यहाँ पे सब मिला के A to Z वाला कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो इसमें आपको सारे लेवल की चीजें जो है मिलते हैं आपको जो है इसमें मात्र। अभी देखिए ये कोर्स जो है 20,000 के आसपास का है, लेकिन अभी मैं कुछ ऑफर्स लगा दिया हूं जिसकी वजह से आपको 1499 ही मिल रहा है मात्र। लेकिन ये मैं आप सभी के लिए बता दूं कि इसके अंदर में बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही काम का है। देखिए इसमें क्या होगा, आपको जो है बेसिक से दिखाया गया कि स्टॉक मार्केट स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में क्या क्या चार्टिंग टूल्स होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, एकदम अच्छे तरीके से मैंने सारे चीज़ को समझाया हूँ जो कि आप सभी के लिए काफ़ी अभी यूजफुल होंगे। ये ऑफर बहुत ही कम दिनों के लिए है, इसलिए आप लोग जो परचेज कर सकते हैं। इसमें जो है डेल्टा क्या होता है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ को आपको दिक्कत होता है सारा चीज़ इसमें दिया गया है, जो कि आपको एक एक चीज़। इसमें हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर देखिए एडवांस टू प्रो लेवल कॉन्सेप्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इसमें कितना तरीके का मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात किया हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरीके का मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया हूँ जो कि आप सभी लिए काफी यूजफुल होंगे। और भी सारे चीज हैं जो कि एडवांस कॉन्सेप्ट का मैंने बनाया हूं, करीब ये आपको जो है 40 से 50 वीडियो के अंदर में मैंने सारा चीज को क्लियर किया हूं, जो कि आप सभी के लिए काफी बेस्ट कोर्स हो सकता है। तो जरूर एक बार विजिट कीजिए, परचेज करके देखिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो अपने वेबसाइट के नीचे में मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए आपको जो है कुछ यहाँ पे ईमेल और नंबर दे दिए हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है आप जो है ईमेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग जो है अभी क्या सीख रहे थे कि हम लोग ट्रेंड में जो है कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक करता है, इसका एग्जांपल मैं देने वाला था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मार्केट जो है मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में। तो ये मार्केट जब भी अप ट्रेंड में जाएगा तो ये अपने आप को एक रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट एक अच्छा खासा गैप खुला, उसके बाद क्या होगा अपने आप को एक अप ट्रेंड बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, मार्केट अपने आप को एक अप ट्रेंड में ले गया, लेकिन छोटा छोटा जब रेजिस्टेंस बन रहा था तो इसको ये मायने नहीं रखेंगे, हम लोग जो बड़ा मूव है उसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ये बड़ा मूव आएगा तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है, कहीं से भी देख सकते हैं आप। अगर पीछे रेजिस्टेंस है आपको कहीं भी देखते हैं, अगर ये कोई भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस पे ऊपर में जो ये सपोर्ट लिया उसके बाद निकल गया, कहीं और देखते हैं इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे हम लोग को एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। आप लोग जो है इजिली कभी भी मार्क करते हैं, क्या करते हैं, इस जगह पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके यहाँ पे जो है हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या दिख रहा है, एक अच्छा खासा पीछे जो है अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है, इससे पीछे भी इस एरिया के पास जो है रुका हुआ, यानी ये एरिया एक अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, हम लोग समझ गए रेजिस्टेंस एरिया, ये तो समझ गए कि रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में था तो इसको थोड़ा सा वेरी किया था, फिर गिर गया, ठीक है,
जानते थे कि मार्केट, देखिए मैंने बताया हूँ आप सभी को, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो सपोर्ट जो है ब्रेक होगा, ठीक है। ये सपोर्ट था इसके लिए, अभी क्या हुआ इसके लिए मार्केट रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके इस पर जो है सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो ये हम लोग समझ रहे हैं अभी अप ट्रेंड को। तो अप ट्रेंड को समझने के लिए मैं इस जगह को अभी मार्क कर दूँ, ये एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए तीन चार जगह जो है अच्छा खासा लेवल लिए हुए हैं अपने आप को, तो आगे जो है इस पर जरूर, यहाँ से देखिए कितना बार मार्केट गिर चुका है। देखिए एक बार यहाँ से जब गिरा था मार्केट, दोबारा फिर गया इस जगह पर, थोड़ा सा फॉल किया, अप गया, फिर से एक यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो यानी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। अभी जो है रेजिस्टेंस इसके लिए था, तो यहाँ से रेजिस्टेंस बन के यहाँ पे गया, लेकिन क्या हुआ मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है, ठीक है, मार्केट अभी यहाँ से क्या हुआ ट्रेंडिंग के लिए निकला है, तो इस जगह पर क्या कर रहा है, इस जगह पर देखिए मार्केट थोड़ा सा रुक गया, इसको ब्रेकआउट कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट में देखिए पुल बैक छोटा छोटा आ रहा है, पुल बैक छोटा छोटा आ रहा है, साथ में क्या हो रहा है, साथ में यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर साथ में हो रहा है कि थोड़ा छोटा सा पुल बैक ले रहा है और मार्केट का जो है अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी मार्केट फुल्ली अप ट्रेंडिंग है और अप ट्रेंड में हमेशा जो है रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है। सपोर्ट लेगा, ब्रेक होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको पहले क्या किया, ब्रेक कर दिया, और ये ब्रेक होने के बाद क्या होता है, यही जगह एरिया, यही एरिया इसके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। यही एरिया सपोर्ट का, और जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तो सपोर्ट सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है। सपोर्ट सबसे अच्छा काम करेगा और रेजिस्टेंस जो है हमेशा ब्रेक होगा, चाहे कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस हो ये ब्रेक है। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, उसके बाद ये सपोर्ट बना, इस जगह पर सपोर्ट लेकर मार्केट एक अच्छा खासा अप गया। फिर क्या हुआ, मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो एक रेजिस्टेंस बनाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बनाया, इस रेजिस्टेंस को जो है मार्केट एक से दो बार वेरी किया, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आ पाया, क्यों, नीचे में एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट को लेते ही मार्केट फिर से एक अच्छा खासा अप गया। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखते हैं, तो आपका जो है मार्केट में कभी भी लॉस नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी हो सकता है, कैसे, यहां पर देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में हम लोग जानते हैं कि ये सपोर्ट इसके लिए सबसे हैवी है, ठीक है, अभी के लिए। ये क्या किया, मार्केट में हम लोग को यहां पर बाय करना होता है, इस जगह पर हम लोग ने बाय किया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हम लोग को देखना होगा क्या, हायर हाई हायर लो हमेशा दिखेगा तो आपको प्रॉफिट कभी नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट निगेटिव इंडिया यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। मैं निगेटिव में जा रहा हूँ, एक हायर हाई, फिर इसको हायर लो, एक हायर लो, उसके बाद लो, मतलब ये धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, मार्केट अब जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा फिलहाल। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा के लिए ये पुल बैक थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये पुल बैक पर हम लोग जो है सपोर्ट को जो है नहीं खोजेंगे, ठीक है। जब भी इस पुल बैक में कोई भी एक इसका जो है मतलब ब्रेक होगा, ठीक है, कोई भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, उसके बाद हम लोग सपोर्ट फिर से फाइंड करना शुरू कर देंगे। ये भी रूल याद रखिएगा, ठीक है। ये रूल क्या है कि मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है नीचे की ओर, ब्रेक कर रहा है, ठीक है, क्यों, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आ गया, अगर हायर है नीचे की ओर बन रहा है तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। अब छोटा सा ट्रेंड हो या बड़ा सा ट्रेंड हो, ये डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर मार्केट हायर हाई बना रहा है और हायर लो नीचे की ओर थोड़ा थोड़ा बन रहा है, तो यानी मार्केट अप है। तो ये छोटा सा ट्रेंड निगेटिव आ गया था बीच में, तो इसमें हम लोग जो है जब भी अगर इस अप ट्रेंड में हम लोग निगेटिव ट्रेंड जल्दी नहीं करेंगे, क्यों, इसका छोटा छोटा मूव रहेगा, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। इसको अवॉइड करेंगे जब भी, कोशिश करेंगे कि जब भी इसका जो है ये लेवल, अगर कोई भी लेवल अगर ऊपर की और यहाँ इसी लेवल को अगर ब्रेक कर देता तो यहाँ से अप जा सकता था, अगर ये लेवल नीचे आया और इस लेवल को ही ब्रेक किया तो ये अप जा सकता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जब भी अगर ये स्विंग ऊपर की और ब्रेक करेगा तो आगे मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक जब भी करेगा तो आगे जो है मूव मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो है देखिए कभी भी ये छोटा छोटा मूव देता है और अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, कोई भी रेजिस्टेंस आगे बनते जाएगा। अगर पीछे आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेंगे, ये एरिया भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, इस जगह पे सेल कौन नहीं करना चाहेगा, इस रेजिस्टेंस एरिया को कौन नहीं सेल करना चाहेगा, लेकिन इस जगह पे आते ही आपका रेजिस्टेंस ये क्या होता है, गायब हो जाता है। गायब क्या हो जाता है, इस जगह को देखिए, इस जगह को ब्रेक किया, ठीक है। फर्स्ट क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया, इस जगह को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखिए अच्छा खासा, पहले तो रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके बाद सपोर्ट को वेरी किया, ठीक है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद सपोर्ट को वेरी किया, सपोर्ट अच्छा खासा बना, इसके लिए अप जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जो है अपोजिट में भी काम कर सकते हैं, अपोजिट में भी इसी प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं उसको, जो है आपको सपोर्ट को ब्रेक करना होता है, रेजिस्टेंस को वेरी करेगा, रेजिस्टेंस के पास जो है थोड़ा सा पुल बैक लेकर अच्छा खासा मूव देगा। आप सभी को अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कोर्स मेरा परचेज कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ जो मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाता है, कोर्स में मैंने बहुत सारे पार्ट में आपको डिवाइड करके बताया हूँ सारा चीज़, तो उसमें समझना आसानी होगा। मैं कोशिश किया हूँ इसमें भी काफ़ी चीज़ समझाने का, जो कि काफ़ी पेड चीज़ था, इस चीज़ को मैं कोर्स में डिटेल में बताता हूँ, तो आप सभी को थोड़ा सा झलक दे दिया हूँ, लेकिन इससे अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है। अगर जो चीज़ मैंने बोला उसको डीपली आप थोड़ा राइट डाउन करके उसको जो डीपली एनालाइज करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। और काफ़ी अमेजिंग तरीके से मैंने इसको समझाया हूँ कोर्स में, तो एक बार कोर्स को भी जाके विजिट कीजिए, अगर पसंद आता है सारे डिटेल पढ़ लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप जो है परचेज कर सकते हैं, अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो आपका रुपया जो है
में रिफंड कर दिया जाएगा। 3 दिन के अंदर में आप उसको क्लेम करते हैं तो कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ आपका जो रुपया रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपसे कुछ सारा डिटेल समझ में आ गया हो। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।